नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड, देखिए उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसियों का काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था। उसका नोटिफिकेशन आया संक्षिप्त विज्ञापन, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 30 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट जो कि ये है, इस पर उपलब्ध रहेगा। इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका हम देख लेते हैं कुछ। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य चयन परीक्षा 2017 है ये यूपी में, क्योंकि पूरे साल 2017 लगभग हो ही चुका, पूरा एक दो दिन और बचे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई थी। और ए आर ओ की पोस्ट का तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट्स। फाइनली अब इसका नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें यह है कि 30 दिसंबर को आयोग की जो वेबसाइट है ये upsc.up.nic.in, इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इस परीक्षा की विस्तृत विज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2018 को प्रकाशित होने वाले। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, जो रोजगार समाचार है उसमें भी आ जाएगा, नई दिल्ली में भी उपलब्ध रहेगा। इसमें देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या है। वर्तमान में जो है सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की संख्या जो है लगभग 460 है, मतलब टोटल 460 पोस्ट हैं वर्तमान समय में। विशेष चयन विकलांग हेतु रिक्त संख्या जो है उनकी संख्या 5 है। रिक्त की संख्या विशेष परिस्थितियों में शासन आधार अनुरोध पर घटिया बढ़ सकती है, ये तो होता है। अगर मतलब इस जो जो टोटल 460 वैकेंसियाँ हैं, इसमें शासन के अनुरोध पर जो है घट और बढ़ भी सकती हैं। वैकेंसियाँ कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 460 तो आपके पास हैं वैकेंसियाँ। इसमें शैक्षिक अर्हता है वो ग्रेजुएशन ही होगा। आयु सीमा देख लीजिए, 1 जुलाई 2017 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। और इसमें छूट जो दी जाएगी वे उसके अनुसार है, नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। जब ऑनलाइन नोटिफिकेशन फॉर्म आ जाएगा तब आपको पता लग जाएगा। उसमें 5 साल 3 साल जितनी भी है, 5 साल SC की होगी जितनी भी होगी, आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 30 दिसंबर 2017। 30 दिसंबर से फॉर्म आ रहे हैं यूपी में ARO और RO के। और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 25 जनवरी 2018। स्टार्टिंग तो हो जाएगा 30/12/2017 से, और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 25/1/2018। आवेदन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 जनवरी 2018 को इसकी लास्ट डेट होगी। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार ख़त्म हुआ। यूपी में जो ये पोस्ट आई हुई हैं, यूपी के स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इन पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अब तो न्यूज़पेपर में कटिंग आ चुकी थी, देख ली न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी ये पहले कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 की परीक्षा इंतज़ार कर रहे थे, ख़त्म हो चुका है वो। फाइनली नोटिफिकेशन तो आ गया है, 30 दिसंबर से वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जो जारी हो जाएगा। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी है, 460 पद रहेंगे अभी तक वर्तमान समय में जो है, ये बताया है कि 460 टोटल पद रहेंगे। और जो बैंक की ऑनलाइन परीक्षा शुल्क होगी 25 जनवरी 2018 तक जमा करने होंगे, तथा 30 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट होगी, 30 जनवरी लास्ट डेट होगी। आवेदन की आयु सीमा जो 21 साल पूरी कर लेनी चाहिए और अधिकतम 40 साल, मतलब 21 से 40 साल के बीच में। और जो एज रिलैक्सेशन है वो नियम अनुसार हो जाएगा जितना भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तैयारी में लग जाओ। इसके लिए मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगी, हो सकता है आपके लिए वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो जाएं। घटना चक्र की सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे क्वेश्चंस हम ज़्यादा से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं पता हो कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो लिंक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो का। थैंक यू।